जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार आज बातें कर रहा हूँ बिहार दरोगा की वैकेंसी कब आएगी, कितने सीट आएगी और इसका एग्ज़ाम कब होगा। आपको पता है कि अगली बार विधानसभा चुनाव होने वाली है 2025 में, उसको लेके बहुत ही जल्द बिहार दरोगा की वैकेंसी होने वाली है जिसमें उम्मीदतः 2000 के आसपास सीट रहेगी। और आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि आप अपना सीट कंफर्म कर लें, आप उस लेवल की तैयारी कर लें, उस लेवल का आप अपना एबिलिटी बना लें जिससे आपको कोई रोक ना सके। बात करता हूँ बुक की, कौन कौन सी बुक का पढ़ना है। मेरा जो अनुभव है, हम तो लूसेंट पढ़े थे और ये अध्याय बार का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अलग अलग बुक आता है, इतना इतना मोटा सा रहता है, उसको बहुत दिन से हम पढ़ रहे थे। और एक बिहार स्पेशल का आता है बुक, वो बिहार स्पेशल पढ़ना है। और फिर करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर जो यूटेरिया की आती है उसी से मैंने तैयारी किया है। और टेस्ट टेस्ट सीरीज हमेशा कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेना है, या फिर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। हमने तो ऑनलाइन ज्वाइन किया था और ऑफलाइन भी ग्रुप में कहीं कहीं से आता था, तो ऑफलाइन भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। ऑफलाइन भी मैं अपने रूम में बैठे बैठे टेस्ट देता था और कौन सा क्वेश्चन है उसका पैटर्न देखते थे, क्या पैटर्न है इसका, और जो नहीं बनता था उसके बारे में डिस्कस करते थे, उसको डाउट में रखते थे, उसको एक पेज में लिख लेते थे, एक अलग कॉपी बनाए थे उसको लिख लेते थे, बार बार उसको पढ़ते थे। और हर जगह से बहुत सा स्टडी ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ था और हर जगह से दृष्टि हो गया, गुरु रहमान हो गया, हर जगह से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते रहता था ग्रुप में पीडीएफ में, तो मैं उसको प्रिंट करवा के या फिर ऐसे ही उसको मैं बनाता था। मैथ रीजनिंग में तो हमको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा क्योंकि मैथ रीजनिंग मैंने पहले से बहुत अच्छा बना लिया था, बाकी आगे जीके जीएस में थोड़ा मेहनत करना पड़ा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे मेन आपको टेस्ट हमेशा डेली एक ना एक देना ही देना है, या फिर बिहार एसएससी का दीजिए, या फिर बिहार दरोगा का दीजिए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें कम से कम 20% मैथ रीजनिंग और जीके वगैरह आए। और करेंट अफेयर तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, करेंट अफेयर में कभी भी मिस नहीं करना है, डेली पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको करेंट अफेयर में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कभी, एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा। हालांकि प्रीलिम्स में तो करेंट अफेयर का बहुत ही योगदान रहता है, 20% के आसपास, 15% के आसपास पूछा जाता है करेंट अफेयर्स, तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा करेंट अफेयर का। प्रीलिम्स पास करने के लिए करेंट अफेयर का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, तो करेंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है। आगे मैं दोस्तों समय निकाल के आपके बीच कुछ ना कुछ सजेस्ट करते रहूँगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है। फिलहाल इतना काम कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, आप अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए। और आप अपना एक सीट कन्फर्म कर लिया अभी सही कि नहीं हमको लेना है तो लेना है। प्रीलिम्स होगा, उसके बाद फिर मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस में बहुत, एग्ज़ाम के बाद तो बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए कोशिश करना है कि मेंस का तैयारी, हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है और मेंस में मैथ रीजनिंग बनाना पड़ता है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप दोनों को साथ साथ लेके चलना है कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कीजिए और करेंट अफेयर भी पढ़ते रहिए, साथ ही साथ जीएस अपना मजबूत कर लीजिए और फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद।